दोस्तों बच्चों के टीके समय पे और सारे लगाने चाहिए। गुरुवार आया टीका लाया। सरकारी में जो टीके लगते हैं वो गुरुवार के दिन लगते हैं। टीकों के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। जन्म पे जो टीका लगता है उसका नाम होता है BCG का टीका, या ट्यूबरवेक बोलते हैं इसको। इसमें 10 से लेके 20 डोज एक साथ आती हैं, और इसमें जो मिलाने वाली जो चीज़ होती है वो NS होती है, नॉर्मल सेलाइन होती है। इसमें डिस्टिल वाटर कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। मिला के ये हमेशा बाएं कंधे पे लगता है। नॉर्मली इसको जन्म पे लगाना होता है। अगर नहीं लगाया जन्म पे तो अपन 1 साल तक इस टीके को लगाते हैं। लगाने में न तो इससे दर्द होता है, न बुखार आता है, यहाँ एक ब्लेब सा बनता है। उसमें कई बार अगर डीप लग गया है तो अब्सेस बन जाता है, मवाद आ जाती है इसमें। तो इसको BCG का टीका, ये टीबी की रोकने के लिए टीका होता है। फिर अपने 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे तीन कई चीज़ों के टीके लगते हैं। इसको पेंटावेलेंट टीका बोलते हैं। पेंटावेलेंट में 5 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? 5 चीज़ें होती हैं। 5 कौन कौन सी होती हैं? गलगोटू, गला पकड़ के घोटती है। कुत्ता, खांसी होती है। टिटनेस होती है। हेपेटाइटिस बी, जो अमिताभ बच्चन साहब पॉजिटिव हैं। या हिब, दिमागी बुखार का टीका होता है। तो ये 5 बीमारियों का एक ही साथ टीका आता है। और ये दो तरह का आता है, एक तो दर्द वाला, एक बिना दर्द वाला। बिना दर्द वाले में क्या होता है, जो कुत्ता खांसी का कंपोनेंट होता है ना, वो पूरी कोशिका की बजाय उसका एसेलुलर होता है। तो वो ऐसा आता है, उसको पेनलेस टीका बोलते हैं। कई बार लोग फोन करके पूछते हैं कि साहब आपके पास पेनलेस टीका मिल जाएगा, तो ये दर्द कम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करता, तो थोड़ा बहुत दर्द बुखार तो इससे भी होता है, लेकिन इस टीके को पेनलेस टीका बोलते हैं, है ना। क्योंकि बोलते हैं कि इसमें पर्टोसिस का जो कंपोनेंट होता है ना, वो एसेलुलर होता है, ठीक है। इसको दर्द रहित टीका बोलते हैं। इसके अलावा 1.5 महीने पे अपने को एक न्यूमोनिया का टीका लगता है। उसको न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये पेंटावेलेंट या दर्द रहित वाला, ये न्यूमोकोकल, ये 3 बार लगता है। ये टीका 3 बार लगता है। 1.5 महीने या 2.5 महीने, 3.5 महीने पे सेम दवाई 3 बार लगती है। वो दवाई 3 बार लगती है। फिर 18 महीने, 16 से 18 महीने के बीच में इनकी बूस्टर डोज भी लगती है। दोस्तों इस टीके से दर्द होता है, बुखार आता है बच्चे को, 2 दिन बुखार की दवाई देनी पड़ती है। अगर बच्चे को कोई थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो रही है तो अपन टीका लगा सकते हैं। अगर बच्चा कोई सीरियस बीमार है तो बच्चे को टीका नहीं लगाना चाहिए। 2 टीकों के बीच में कम से कम 4 हफ्ते का अंतराल अपने को रखना चाहिए। फिर दोस्तों जो 6 महीने पे बच्चे के फ्लू का टीका लगा सकते हैं। कौन सा टीका लगा सकते हैं? फ्लू। फ्लू का जो टीका होता है, स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, उसका टीका लगता है। पहली साल में 2 डोज लगती हैं इसकी, IM लगता है, और उसके बाद में हर साल 1 डोज लगानी होती है। 5 साल तक इसको फ्लू का टीका बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों 9 महीने पे है, बच्चे को MMR का टीका लगाते हैं। ये MMR मिजल्स मम्स रूबेला को बोलते हैं। इससे भी ज़्यादातर न तो दर्द होता है, न बुखार आती है। ये चमड़ी के नीचे सबक्यूटेनियस लगता है, और बहुत ही सेफ टीका है, तीनों बीमारियों को रोकता है। और इसको MMR का टीका बोलते हैं। पहली डोज 9 महीने पे लगाते हैं, अगली डोज है वो 15 महीने पे लगा सकते हैं। इससे दोस्तों अगला जो टीका है, फर्स्ट बर्थडे पे अपन हेपेटाइटिस ए का टीका लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है पानी से फैलने वाला पीलिया है, उसका टीका अपन फर्स्ट बर्थडे पे लगा सकते हैं। 15 महीने पे आंकड़े काकड़े का टीका लगा सकते हैं। चिकन पॉक्स जो होता है ना, उसका टीका अपन 15 महीने पे लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों 9 महीने, 6 महीने से बड़े बच्चे को किसी को भी टाइफॉइड का टीका लगा सकते हैं। इसको टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं। और इससे भी थोड़ी बहुत दर्द बुखार आ सकती है, ये मांसपेशी में लगता है। मैं मेरी जो बहन या स्वास्थ्यकर्मी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि छोटे बच्चे की जो टीका लगाते हैं ना, उसकी थाई पे लगाना चाहिए, पीछे बटक्स पे नहीं लगाना चाहिए। और थाई पे भी कहाँ लगाना चाहिए? ऊपर वाला 2/3 और नीचे वाला 1/3 के जंक्शन पे लगाना चाहिए, बाहर की साइड में। कई बहनें हैं वो ऊपर लगा देती हैं, उससे बच्चे को सूजन आती है। तो कहाँ लगाना चाहिए? अपने जो माताएं ये वीडियो देख रही हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे की थाई पे जो टीका लगा रहे हैं, ऊपर वाले 2/3 और नीचे वाले 1/3 के जंक्शन में बाहर की साइड में लगता है। मतलब जो थाई होती है उसमें, उसके मिड से थोड़ा नीचे की साइड में अपने को टीका लगाना चाहिए। कभी भी पीठ पे, कुल्ले पे बच्चे की टीका नहीं लगता है। इसके बाद में दोस्तों 6, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे बच्चे को दस्तों का टीका पिलाया जाता है। उसको रोटावायरस का टीका बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर किसी को कुत्ता खा जाए बच्चे को, तो 0, 3, 7, 14, 28 पे ये कुत्ते का टीका लगता है। रेबीज वैक्सीन बोलते हैं, और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगते हैं। इसके अलावा जैसे 9 साल से बड़ी किसी भी बच्ची के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का टीका होता है, इसको सर्वरिक्स बोलते हैं। ये 9 साल से बड़ी बच्ची से लेके और 45 साल तक किसी भी लेडीज के लगता है, और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को रोकता है। इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में ये टीका होता है जो कैंसर को रोकता है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो टिटनेस की सुई होती है, जो अपन टिटनेस माँ जब प्रेग्नेंट होती है तब भी लगाते हैं।
ऐसे ही हेपेटाइटिस बी का टीका होता है जो नॉर्मली पेंटावेलेंट में आ जाता है, लेकिन अगर किसी के नहीं लगा हुआ है तो अपन 18 साल से छोटे आदमी के तो आधा ml लगाते हैं, 18 से बड़े वाले को 1 ml लगाते हैं, जो जिनका डायलिसिस होने वाला है जिन लोगों का, उनको 2 ml दवाई लगती है ना। तो अपने को हेपेटाइटिस बी का टीका को मालूम होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों कोरोना का टीका आप जानते हो कोविशील्ड है, ऐसे ही येलो फीवर का एक टीका होता है उसको स्टेमरिल बोलते हैं, उसका येलो कार्ड बनता है एक और वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा दोस्तों एक मेनिंगोकोकल वैक्सीन होता है जो दिमागी बुखार को रोकता है। तो इस तरह से ये कुछ टीके हैं। तो टीकों से ज़्यादातर से थोड़ा बहुत दर्द बुखार हो सकता है। पेनलेस टीके के बारे में, उसमें पर्टुसिस का कंपोनेंट ए सेलुलर होता है। धन्यवाद।